Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. दर्शकों जिवें तुहानू पता हैगा कल किसानी संघर्ष संबंधी सुप्रीम कोर्ट च सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नू फटकार लगाई। उन्होंने कहा हैगा इन्नी देर तो किसान जिहड़े हैगे आ इन्नी ठंड के बावजूद भी उत्थे उन्हां दा शांतमई अंदोलन हैगा जिहड़ा कि सरकार नू इहदे ते सैटल करना चाहीदा सी। अज जिहड़ा फैसला उन्होंने इहदे ते कीता उन्होंने फॉर्मली ये जिहड़े बिल दा स्टे कर दिता हैगा। पर जिन्हें एक्सपर्ट्स मंगते हैं जिन्होंने मेरी गलबात हुई हैगी जी उन्होंने कमेटी बनाई हैगी सुप्रीम कोर्ट ने चार मैंबर की उदे बारे एक्सपर्ट्स जे एग्रीकल्चर वाले आछ किंतु परंतु हैगा। सुप्रीम कोर्ट वालों इन जनरल फैसले का स्वागत पर अंदोलन जारी रहेगा ये तो किसान आगुआ ने कहा हैगा। ये अगली गल देखने वाली ये भी हैगी सुप्रीम कोर्ट वालों लाई गई रोक सिद्ध करती है ये खेती कानून गलत हैं अते ये अगे जा के रद्द हो सकते हैं। ये तो लोगों की ऑब्जरवेशन है पर एक्सपर्ट की दूसरा ओपीनियन है जेडे कि सुप्रीम कोर्ट वालों कायम कमेटी में अशोक गुलाटी भुपिंदर सिंह मान प्रमोद जोशी तो अनिल कणवत मैंबर जिहड़े कीते हैगे ऑलरेडी किसानां दी फेवर विच नहीं हैगे ये सरकार दी फेवर विच हैगे आ। इस संबंधी असी प्रोफेसर तरसेम भाईया नाल गलबात कीती। मैं हुणे कुछ देर पहला सुप्रीम कोर्ट दा मानयोग सुप्रीम कोर्ट दा फैसला सुनिया किसानी अंदोलन बारे। उहदे इक तां मानयोग कोर्ट ने कहा कि जिहड़े किसानी कानून बनाए ने उन्हां तिन्नां कानूनां नूं उन्हां दे अमल ते हुण ते जिहड़ा स्टे दित्ता जांदा ऐ सच कानून नहीं स्टे किए सगों उन्हां ते फरदर अमल जिहड़ा हैगा उह स्टे किया जाता गा। ये तो अपने आप एक इस पक्षों का किसानों की जित है कि सरकार दियां कई कोशिशों के बावजूद वो कानून उसनों अजे तक जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट उसनों अपनी मोहर नहीं ला रही। पर दूसरा फैसला जिहड़ा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिता वो एक किस्म का सालसी वाला या एक जिन्हों कहते समझौता कराने वाला दिता गा कि चार बंद की कमेटी बनी है तो चार बंद की कमेटी अगे अपनी गल पेश करो तो वह जी कमेटी है वह आके साडे को जरा देनगियाँ। सो इस मसले पर एक तो मैं ये बड़ी थोड़ा जहा फिक्र होया कि सुप्रीम कोर्ट में इन कानून की जी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि विधानक तौर पर सेंटर सरकार बना सकती सी कि नहीं बना सकती इस पर कोई अपनी टिप्पणी नहीं की। तो दूसरी गल होर भी बहुत ज़्यादा जी अफसोस वाली है कि शायद यह सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया गया गा कि जेडे चार एक्सपर्ट जिन्हें नाम उन्होंने पाए हुए हैं चाहे भुपिंदर सिंह मान है चाहे गुलाटी है चाहे जोशी है जां होर एक सज्जन है ये चारे जिहड़ा एक्सपर्ट ने ऑलरेडी वह इन कानूनों के पक्ष में स्टैंड लै चुके हैं बहुत सारे प्रोग्रामा वह इन कानूनों इन की शलाघा कर चुके हैं इन्हों की फेवर कर चुके हैं। इस करके जिहड़े इस जिहड़े एक्सपर्ट ने ये कोई न्यूट्रल या निरपक्ष नहीं है जिन्हां जिहड़े सालसी वाला काम जिहड़ा वह कर सकते हो। सो इस करके इहदा कोई इन्हां ते विश्वास नहीं किसी का आ रहा तो मैनू डर है शायद किसान भी इस ते विश्वास नहीं कर पाउणगे तो शायद किसान इन्हां अगे पेश भी मतलब ना हो और ना ही जिस तरह ये जिहड़े कोई जिहड़ा सरकारी पक्ष पूरदा बंदा होवे उहनू इह जिहे सालसी कमेटियां च पैणा चाहीदा। मैं उम्मीद करदा कि जां तां इह बंदे जिहड़े अपने आप अस्तीफा दे देण ते नहीं कोई बहुता उचित जां लॉजिक नहीं होएगा कि किसान उन्हां बंदियां वर्गे सामने अपना केस पेश करन जिहड़े बंदे पहलां ही अपना फैसला सुना चुके ने। सो लगता ही है कि हजे रेड़का यह जारी रहेगा। उपरों 26 जनवरी आ रही है और किसान दृढ़ ने कि असीं 26 जनवरी नूं मार्च करांगे दिल्ली विच भावें उन्होंने ये गल बिल्कुल डंक दी जोर नाल कही है डंके दे शोर नाल गल कही है बड़ी दृढ़ता नाल कही है कि जिहड़ा साडा मार्च है वह पीसफुल होएगा। तो उन्होंने ये भी कहा असीं उस रूट पर मार्च नहीं करांगे जिथे सरकारी परेड हमेशा हुंदी है पर साडा विधानक हक है 26 जनवरी बनाउण दा तो इस पक्षों भी जिहड़ी पेशी है वह सोमवार नूं है। सो जे काफ़ी जिहड़ा है उलझाला मसला है आपां नूं सारिआं नूं अपनी निगाह उत्थे है तो आपां नूं इस गल की दुआ करनी चाहीदी है कि सारा मसला उस दिन 26 जनवरी वाला मसला भी अमन अमान वाला रहे ता कि उसका कोई बहुत बड़ी जल्हांवाली बाग वांगू घटना ना वापर जाए जिसका कि बहुत मुल जिहड़ा है वह सरकार नूं जां हिंदुस्तान के लोगों को देना पैगा। इन्हां शब्दों के नाल मैं किसानों
लोहड़ी दीआं शुभेच्छावां दिंदा, पंजाब दे लोकां नूं शुभेच्छावां दिंदा कि जिस सबर नाल जिस किस्म दे तुसीं जबर दा सामना कीता हैगा, मैनूं उम्मीद है कि शायद अजे होर अपना जिहड़ा जबर है वह अपना सबर नूं परखेगा। चाहिए उन कानूनों को लागू ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू कुरुएन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं ना कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है, ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति क्षेत्र संप्रदाय और भाषा के नहीं है, ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे, जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी। और वो सरकार बताएगी 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं, सरकार की 8 बार की वार्ता हो चुकी वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं, भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी और कानून जब तक ये लागू की बात ही नहीं है, अभी लागू होने का कोई विषय नहीं। अपना सवाल पूछे, ये कानून रद्द भी होंगे क्योंकि कमेटी बनेगी और कमेटी में सारी चीजें सच्चाई के साथ रखी जाएंगी, जब बनेगी कमेटी बनने के बाद जब सीधे सामने आएंगी और फिर उसकी रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आएगी, जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। कोई उन्होंने जगह शिफ्ट करने की बात सरकारों की है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात प्रशासन की है, उसका कोर्ट से कोई मतलब नहीं। बताइए कि जो अधिकतर संगठन वहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे उनके तो नुमाइंदे आज कोर्ट की हियरिंग में तक पे नहीं आए, उन्होंने अविश्वास जाहिर किया। अविश्वास मैंने यही कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, देश की सरकार को, सबको किसानों से, किसानों के साथ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ये किसान किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के नहीं है। कुछ लोगों ने इसका आंदोलन को, कुछ ने कहा कि शाहीन बाग जैसा है, मैंने कहा जो ये आंदोलन है इसको शाहीन बाग से तुलना नहीं कर सकते, ये देश के देशभक्त किसान हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। लेकिन वहाँ पे कोर्ट पे सरकार के वकील कह रहे हैं कि इसमें खालिस्तानी एलिमेंट से इंटेलिजेंस भी, वो सब झूठ साबित हो गया, इसीलिए तो स्टे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से इतिहास में ऐसा कई बार नहीं हुआ है, कभी कभी की बात है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानूनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी याचिकाओं पर रोक लगा दी। अभी तो कमेटी डिसाइड नहीं हुई है, कमेटी के नाम आएंगे फिर हम उससे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, वो हमारी कितने सुनते हैं, कितनी सरकार की सुनते हैं, कितनी कानून की सुनते हैं, कितनी हमारी सुनते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी बात, सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी, वॉच करेगी, मॉनिटर करेगी सारा काम। सुप्रीम कोर्ट कहीं जा नहीं रही, हम लोग कहीं जा नहीं रहे और हमारे इस देश की आप लोग मीडिया कहीं जा नहीं रहे, किसानों के साथ हैं और किसानों को न्याय दिला के रहेंगे आप लोग। हाँ वो बैठ, अब उनसे बात करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, हमने ये भी, हाँ दूसरी बात, मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल हम लोगों को काम सौंपा था हमने वो भी बताया कि हमने क्यों से अपने क्लाइंट से ये साफ तौर पर कहा है कि वो बुजुर्गों को जो वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बीमार हैं, उनको धरना स्थल पर ना लाएं जिससे कि मौतों की संख्या बढ़े नहीं, क्योंकि मौतें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी गलत लगती हैं, देश की सरकार के लिए गलत लगती है, हमारी मीडिया के लिए भी गलत लगती है और हमारे देश के चौथे स्तंभ जो लोकतंत्र, सबसे बड़ा स्तंभ है लोकतंत्र हमारा मजबूत, उसके लिए भी गलत है मौतों का।
पर स्टे लगा दी गई। अभी क्या हो रहा था, कभी मध्य प्रदेश में कहा जाता था ये कानून हम लागू कर देंगे, हमारे कहीं साउथ में ये बात चल रही थी, अब पूरे देश में ये कानून लागू नहीं होगा, बंद डिब्बे में रहेगा जब तक कमेटी डिसाइड करेगी, कमेटी गठन होगा, कमेटी टाइम देगी, कमेटी के मेंबर बनेंगे। हमने भी कुछ नाम जैसा आपको बताया जस्टिस मारकंडे कार्जू कुरेन जोसेफ का नाम सुझाए हैं, वो नाम में से होंगे, वो आगे प्रोसीडिंग होगी, कमेटी का आगे आएगा और उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। The four member committee formed by the Supreme Court in today's hearing on the farmer protest is a mere eyewash. All the four members have openly supported the three farm bills since their inception. Bhupinder Singh Mann, an ex-MP, heads one of the Kisan unions, siding with the government. ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ has issued statement in the recent months terming the farmers as misguided. Dr. P.K. Joshi has written an open piece in favor of these laws. Any dilution in the farm laws will constrain Indian agriculture in harnessing and emerging global opportunities. ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ, ਅਨਿਲ ਘਣਵਟ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਿਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ MH, has stated that there is no need to withdraw these laws and they have opened up opportunities for the farmers by terming the ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ opportunities. ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼, ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਔਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਜਬ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨੋ ਕੇ ਨੇਤਾਓ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇ ਹਮਾਰੇ ਲਾਇਰਸ ਸੇ ਜਾਕਰ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਕੋ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ ਕੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਮੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਬੈਂਚ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਹੀ ਵਕੀਲੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਮਨੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦਿਆ ਜਾਏ, ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੇ ਹਮਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਯਾ ਦੂਸਰੇ ਕੁਛ ਮੁੱਦੇ ਹਮਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਅੱਛੇ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਹੇਲ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਜ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਥ ਹੀ ਹਮਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪੂਰੇ 500 ਕੇ ਕਰੀਬ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਕੇਵਲ 8 ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੇ ਕੇਸ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਮਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸੋਚਾ ਥਾ ਔਰ ਆਜ ਫਾਈਨਲੀ ਹਮ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਂਗੇ, ਔਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਮਨੇ ਦੇ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕੇ ਪੱਖ ਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੋਕੋ ਕਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜੋ ਹਮਨੇ ਆਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਮੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾ ਕੱਲ ਫੈਸਲੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜੋ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਬਾਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਲਾਇਰਸ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਵੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, ਫੂਲਕਾ ਜੀ ਔਰ ਕੋਲਿਨ ਗੋਨਸਾਲਵੇਜ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਸਟੈਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ।